लेंस मेकर फॉर्मूला, हेडिंग डालें लेंस मेकर फॉर्मूला कि साइन कन्वेंशन कैसे लगानी है ये बता रहा हूं ताकि न्यूमेरिकल्स के अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले रूल नंबर वन, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपने क्या लेनी है, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव, और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ आपने क्या लेनी है, हमेशा नेगेटिव। रूल नंबर वन, तो फोकल लेंथ कन्वेक्स की पॉजिटिव, कनकेव की नेगेटिव, रूल नंबर वन। ठीक, अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। ठीक, दूसरा रूल, जब हम इसमें यूज करेंगे डबल कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स या फिर बाई कन्वेक्स एक ही बात है, और मैं क्या यूज करना चाहता हूं, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो जब मैं लेंस मेकर फॉर्मूला इसमें यूज करूंगा तो ये डबल कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसके अंदर यहां की डायरेक्शन राइट साइड की मैं क्या मानता हूं, पॉजिटिव। ठीक है, साइन कन्वेंशन राइट की तरफ, मान लो लाइट आ रही है, पॉजिटिव है। तो अगर मैं ये पूछूं कि इसके अंदर ये बताओ कि ये जो कर्वेचर देख रहे हो, ये देख रहे हो कर्व, इसका सेंटर कहां मिलेगा, राइट की लेफ्ट, जब मैं स्फीयर कंप्लीट करूंगा सेंटर कहां मिलेगा इसका, राइट मिलेगा। तो इसका सेंटर मान लो यहां पर है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर वन, राइट मिलेगा। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या लेंगे इसका, पॉजिटिव, क्योंकि सेंटर यहां मिलेगा, रेडियस यहां मिलेगा और डायरेक्शन राइट की पॉजिटिव है, तो आर वन क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि इसका कर्वेचर का सेंटर कहां मिलेगा, सेंटर कहीं यहां मिलेगा, तो ये रेडियस आर टू इसमें क्या होगा, नेगेटिव। तो आर वन पॉजिटिव, आर टू नेगेटिव, याद रखना जब न्यूमेरिकल पुट करेंगे तो इसमें इसको हम क्या पुट करेंगे, पॉजिटिव, और इसको हम क्या पुट करेंगे, नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? और फोकल लेंथ को हम क्या पुट करेंगे इसमें, पॉजिटिव। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? और वैसे भी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होना ही चाहिए, क्योंकि ओवरऑल फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगी, जब नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ओवरऑल फोकल लेंथ विल बिकम पॉजिटिव। तो साइन कन्वेंशन क्लियर है डबल कन्वेक्स लेंस की। तो डबल कन्वेक्स लेंस में एक आर, पहला आर वन पॉजिटिव होगा, दूसरा आर टू नेगेटिव होगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब दूसरा नेक्स्ट केस है कि अगर सपोज करो इसी में आपके पास एक कन्वेक्स सरफेस है, ये रहा, और एक प्लेन सरफेस है, तो ये क्या है, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स। तो याद रखना जब लेंस मेकर फॉर्मूला प्लेनो कन्वेक्स के लिए यूज करेंगे तो फिर से एक बार फोकल लेंथ को क्या पुट करेंगे यहां पर कन्वेक्स में, पॉजिटिव। आर वन को क्या पुट करेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि इसका रेडियस कहां मिलेगा आपको, राइट की तरफ, और यहां की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव। प्लेन ग्लास की रेडियस की वैल्यू क्या होती है, प्लेन ग्लास इनफाइनाइट। तो प्लेन ग्लास याद रखना का रेडियस क्या होता है, इनफाइनाइट, क्योंकि प्लेन ग्लास एक बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट माना जाता है, तो आगे जाके कर्व होगा तो बहुत बड़ा है, तो याद रखना प्लेन के लिए ये वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी, वन बाय इंफिनिटी, जीरो। अब देखो ना ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल फोकल लेंथ फिर से क्या बन जाएगी,
पॉजिटिव, वही कहता है जी मैं उल्टा कर आया इसको इन्फिनिटी इसको आर, तो गलत हो जाएगा क्योंकि 1/∞ जीरो और ये नेगेटिव, तो फोकल है तो नेगेटिव हो नहीं सकती। तो बेस्ट है कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस में पहले रेडियस को पॉजिटिव ही पुट करें, ठीक, दूसरा फिर नेगेटिव या इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बाय कनकेव या फिर डबल कनकेव, ठीक। तो इसके अंदर ये डायग्राम है, इस डायग्राम में यहां की डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये जो डिस्टेंस है इसका कर्वेचर कहां मिलेगा, राइट मिलेगा, तो R2 इसमें क्या पुट करेंगे, पॉजिटिव, और इसका कर्वेचर कहां मिलेगा, लेफ्ट मिलेगा, तो R1 क्या पुट करेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो इसके अंदर जब आप यूज करेंगे ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में आप फोकल लेंथ को क्या पुट करेंगे, नेगेटिव, R1 को क्या पुट करेंगे इसमें, नेगेटिव, और R2 को क्या पुट करेंगे, पॉजिटिव। अब देखो ना, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो ओवरऑल फोकल लेंथ बिकम्स नेगेटिव, फोकल लेंथ कनकेव की नेगेटिव है। तो याद रखना इसमें कन्वेक्स में R1 पॉजिटिव होता है, कनकेव में पहला R1 नेगेटिव और R2 की वैल्यू इसमें पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट है, इसी के अंदर अगर मान लो आ जाए प्लेनो कनकेव, प्लेनो कनकेव में 1 बाय फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, अगर मैं डायग्राम ना भी ड्रॉ करूं एक मिनट के लिए, तो याद रखना कनकेव में हर हालत में इसको तो नेगेटिव होना ही है, इसको भी नेगेटिव होना है, कन्वेक्स में पहला रेडियस पॉजिटिव, कनकेव में पहला रेडियस हमेशा नेगेटिव, और प्लेन है तो इसको पुट कर दो इन्फिनिटी, ओवरऑल फोकल लेंथ बिकम नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, ये हमेशा नेगेटिव कनकेव में और कन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव, ठीक।